मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेवन को वेडनेसडे को अब लेसन एट के क्वेश्चन आंसर 1, 2, 3 फाइव क्वेश्चन आंसर है, 3 ये है, 4 और 5 अपन नेक्स्ट करेंगे। पहले अपन ये क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड जॉनी डू व्हेन ही वॉक्ड टू स्कूल। जब जॉनी स्कूल की तरफ जा रहा था तो उसने क्या किया, क्या करता था वो जॉनी स्कूल की तरफ जाता था। व्हेन जॉनी वॉक्ड टू स्कूल ही यूज्ड टू लुक टुवर्ड्स द क्लाउड्स दैट फ्लोटेड बाय द स्काई। उसकी आदत थी कि जब भी वो वॉकिंग करते हुए स्कूल जाता था तो वह आकाश में देखता था जो बादल फ्लोटेड बाय द स्काई, हवा में आकाश में बादल जो उड़ते थे उन्हें देखता था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज जॉनी डूइंग व्हेन ही वाज वॉकिंग बिसाइड द रिवर। जॉनी जब रिवर के साथ में चल रहा था तब क्या कर रहा था, तो व्हेन ही वाज वॉकिंग बिसाइड द रिवर जॉनी वाज लुकिंग एट द ब्राइट राउंड सन एंड द फ्लाइंग बर्ड्स। जब वह रिवर के साथ अलॉन्ग बिसाइड चल रहा था तो वह जो राउंड सन था उसे देख रहा था और ऊपर आकाश में जो बर्ड्स उड़ रहे थे उन्हें देख रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, हु टुक जॉनी आउट ऑफ द रिवर। जॉनी को रिवर से बाहर किसने निकाला था, तो टू स्ट्रॉन्ग मैन टुक जॉनी आउट ऑफ द रिवर। जो टू स्ट्रॉन्ग मैन थे उन्होंने जॉनी को बाहर निकाला था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैड जॉनी लॉस्ट। जॉनी ने क्या खोया था, जॉनी हैड लॉस्ट हिज राइटिंग बुक। पानी में गिरने के बाद में उसकी राइटिंग बुक भीग गई थी, तो जॉनी ने अपनी राइटिंग बुक खोई थी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द फिशेस टीज पुअर जॉनी। फिशेस ने जॉनी को कैसे टीज किया, कैसे चिढ़ाया था, तो द फिशेस टीज्ड पुअर जॉनी बाय पॉपिंग आउट देयर लिटिल हेड आउट ऑफ द रिवर। जॉनी को फिशेस ने कैसे चिढ़ाया था, अपना जो हेड है उसको रिवर से पॉप आउट मतलब बाहर निकाल के उसको चिढ़ाया था। ये आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसको आपको फेयर नोटबुक में आपके लिखना है लेसन 8 के क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।